टू डिस्कस द डिफरेंट टॉपिक. यू कैन सी ऑल हियर बेटा सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. सो बेटा अभी जस्ट हम आप लोग से डिस्कस किए थे क्या जी कि जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके एक सर्किट डिजाइन करते हैं बेटा, तो उसको हम लोग यदि रियल में ड्रॉ करना चाहे, लाइक यदि बल्ब की बात करें, बैटरी की बात करें बेटा, सो रियल में बैटरी हम दिखाए थे किस तरह से था. ओके, सो बेटा हम रियल में ड्रॉ मतलब नहीं कर पा सकते है ना, तो उसके लिए क्या किया है, एक सिंबल यहाँ पर यूज करते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर डिफरेंट सिंबल क्या सब है बेटा. सो इट इज अ डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट डेफिनेटली बेटा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये बहुत ही क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही होगा और साथ ही साथ बेटा डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि आपको यदि बल्ब को ड्रॉ करना है, लेट सपोज कि बैटरी ड्रॉ करना है बेटा, ड्रॉ कर सकते हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा. ओके, सो हम लोग के पास एक कोई अल्टरनेट वे हो जिसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, उस सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे. सो ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय मेकिंग द एक्चुअल ड्रॉइंग, बाय मेकिंग द एक्चुअल ड्रॉइंग ऑफ ए सेल, बैटरी, स्विचेस, बल्ब, ईटीसी. ऑल दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ना. सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ दिस रियली तो क्या होगा बेटा, वो टाइम टेकिंग होगा. इसीलिए हम लोग उसके स्थान पे क्या करते हैं, उसकी जगह क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसके सिंबल्स का यूज करते हैं. सो यू कैन सी ओवर हियर, सो दिस साइंटिस्ट हैव डिवाइस्ड क्या क्या साइंटिस्ट डिवाइस्ड क्या अ वेरी इजी वे टू रिप्रेजेंट. तो साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, उन लोगों ने एक वे दिया, जिस एक वे दिया कि आप लोग क्या करो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कुछ सिंबल यूज कर लो. ठीक है, so you can see over here component of an electric circuit that is cell, battery, switches, bulb, इन सारे चीज का क्या होगा, एक symbols होगा बेटा, और symbols के यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब जो है उस circuit को, electric circuit को draw कर सकते हैं with the help of symbols बेटा which are easy to draw. got it, तो symbols के सहारे क्या होगा, हम बहुत ही easily किसी भी electric circuit को हम draw कर सकते हैं. यदि पेन पेपर पे यदि हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना चाहेंगे बेटा, तो इजीली ड्रॉ कर लोगे. क्यों, क्योंकि अब आपको रियली बैटरी नहीं बनाना है, एक्चुअल बैटरी नहीं बनाना है, एक्चुअल में बल्ब नहीं बनाना है, एक्चुअल में स्विचेस नहीं बनाना है, आपको क्या करना, उसके जगह क्या यूज करना है बेटा, सिंबल्स का यूज करना है. गॉट इट, सो हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स क्या होता है. सो बेटा फर्स्ट सिंबल इज इलेक्ट्रिक सेल. हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि सेल क्या है, बैटरी क्या है, ये सब लेटर ऑन वी विल डिस्कस बेटा. लेकिन यहाँ पर जस्ट जान लो कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, दैट इज लुक लाइक दिस इज रियली डायग्राम बेटा, ये रियली फोटो है इसका. सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यदि देखोगे बैटरी, तो दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो फ्लैट टर्मिनल होता है बेटा, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. बट इफ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस बैटरी सिंबॉलिकली, तो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू कैन सी ओवर हियर. इसमें क्या करेंगे बेटा, यू कैन सी ओवर हियर कि बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल. तो हमने क्या कर लिया, एक वायर ले लिया, लेट सपोज ये थोड़ा सा वायर है बेटा. अब यहां से एक हम सर्किट को ड्रॉ किए ऐसे, लेट सपोज हमने क्या किया कि एक एक जो ये एंड देख रहे हो इस वायर के, इस एंड पे जो लगा है बेटा, ये वर्टिकली लाइन जो दी है और हॉरिजॉन्टली लाइन के साथ, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल. गॉट इट, सो सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबॉलिकली लाइक दिस. अब क्या करो, दो हॉरिजॉन्टल, दिस इज बेसिकली बेटा ये वायर को बता रहा है कि दिस सेल इज कनेक्टेड विद द कंडक्टिंग वायर, और ये टर्मिनल को बता रहा है जो बेटा ये स्मॉलर टर्मिनल है, जो छोटे वाले देख रहा है, एज कंपेयर टू दिस, दिस इज द स्मॉलर बेटा. सो दिस टर्मिनल इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सॉरी सेल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल. Got it? So, अब जहां भी बेटा आपको रिक्वायरमेंट हो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप रियल में ऐसे सेल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा करोगे, जस्ट यू नीड टू राइट लाइक दैट, एक टर्मिनल ऐसे बना लो, एक टर्मिनल ऐसे बना लो. ओके, और आप क्या करो, यदि बेटा टर्मिनल पे साइन मेंशन नहीं भी है, तो जो बिगर टर्मिनल होता है
वो क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो स्मॉलर टर्मिनल है बेटा वो क्या है नेगेटिव टर्मिनल। ये अंडरस्टूड होता है, क्लियर है यहां से? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट बेटा। अब हम दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब का। सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द एक्चुअल डायग्राम और दिस इज द एक्चुअल फोटो ऑफ किसका है ये बल्ब का। सो बेटा अब यदि इसको हम एक्चुअल में ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे पेन पेपर पे इट विल टेक टाइम और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है ड्रॉइंग करने बेटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक सिंबल का यूज करेंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा सिंबल क्या है, यू कैन सी ओवर हियर कि हम क्या करेंगे लाइक दिस एक ड्रॉ कर लेंगे और इसको एक सर्कल में बेटा क्या करेंगे लिख देंगे। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इलेक्ट्रिक बल्ब, क्लियर है? सो बेटा एक्चुअल में हम क्या किए इसके पीछे भी ऐसा जो बनाए क्योंकि जब आप बल्ब को देखोगे तो बेटा क्या है आउटर सरफेस को देखो दिस लुक लाइक सर्कुलर है ना लगभग सर्कल की तरह दिख रहा है एंड इनर में देखोगे बेटा एक टंगस्टन की जो वायर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं यू कैन सी ओवर हियर ये फिलामेंट है तो लाइक दिस तो इसको हम फिलामेंट कह दिए बेटा। ये क्या किया फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या कर रहा है जो आउटर सर्फेस था बेटा आउटर सर्फेस को। तो ऐसे ड्रॉ करना बहुत ईजी है यू कैन इजिली ड्रॉ ना आप इजिली ऐसे लिख सकते हो ऐसे गए और उसके बाद क्या करना है एक बार ऐसे घुमा के लाना है इसको एक सर्कल में ऐसे रख देना है। सो बेटा इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो सिंबल यदि बात करें किसकी इलेक्ट्रिक बल्ब का तो ये इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बल्ब को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो सिंबॉलिकली यू कैन राइट लाइक दैट, क्लियर है? सो दिस वन इज द सेकंड कंपोनेंट। नाउ मूव टू द थर्ड कंपोनेंट बेटा स्विच, किसकी बात कर रहे हैं स्विच की। जो अभी हम लोग बात किए थे कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की यदि क्लोज्ड है ओपन है तो किस पोजीशन पे स्विच है स्विच ऑन है कि स्विच ऑफ ही है वहां पर बेटा हम आपको दिखाते हैं। एक बेटा स्विच की यदि इंटरनली मतलब डिजाइन को देखोगे कि एक स्विच में इंटरनली कैसे डिजाइन होता है तो यू कैन सी ओवर हियर बेटा लाइक दिस। ये हमारे पास एक एंड है बेटा वायर का इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो वायर होता है एक एंड है और इंटरनली यू कैन सी बेटा दो पॉइंट है लाइक दिस और ये दो पॉइंट किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या है कनेक्टेड है और ये क्या बेटा ये भी जो हमारे आउटवर्ड वायर होता है वो है गॉट इट। तो यदि बेटा फिजिकली और रियली और एक्चुअल ये फोटो तो है अपने पास इफ यू वांट टू ड्रॉ दिस डेफिनेटली इट विल टेक टाइम और डिफिकल्ट भी होगा। सो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं इसका भी एक सिंबल है जिसका हम यूज करेंगे। क्या करते हैं बेटा सिंबल बहुत सिंपल है this is representing what this is representing beta wire do end wire ki hai ab is pe humne kya kiya is wire ko you can see over here aise likh diye aur iske upar ek straight line aise likh diye ek straight line ka jo ki ek kisi tarika se you can see over here ye ek tarah se conducting wire ko represent kar raha hai kya beta ye conducting wire ko represent kar raha hai ye koi bhi conducting wire ka matlab hua beta jisse current pass kar sake So, ये कंडक्टिंग जो वायर है बेटा ये जो कंडक्टिंग वायर है ये क्या है ये कंडक्टिंग वायर। सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द क्लोज्ड पोजीशंस बेटा दिस इज द क्लोज्ड पोजीशंस और बेटा यदि ऐसे ड्रॉ कर दें इसको कहते हैं क्लोज्ड इसको क्या कहा जाता है यहां सर्किट जो है क्लोज्ड है और ये ऑन पोजीशंस पे है किस पे बेटा ऑन पोजीशंस पे है ऑन पोजीशंस गॉट इट। सो दिस इज ऑन पोजीशन। नाउ You can see over here, बेटा ऐसे ही सर्किट है लेकिन हम क्या किए हैं ऐसे लिख दिए हैं ऐसे ये क्या है इस समय बेटा ये क्या है ओपन है इसको क्या कहते हैं ओपन मतलब ऑफ पोजीशंस पे बेटा ये किस पे है ऑफ पोजीशंस पे। तो ये स्विच को रिप्रेजेंट करने की तरीका है यानी कि सिंबॉलिकली आप यदि स्विच को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बेटा क्लियर हो गया क्लियर है सबको। और यहां से हम आपको ये भी बता दिए if you want to represent the switch in all positions how you will represent just you need to write this and beta yahan se jo conducting wire tha is dono point se mila do iska matlab hoga switch on hai aur ye do point likh do aur isko thoda sa upar rakh do ek terminal pe kisi bhi ek terminal pe beta to isko kahenge switch kya hai open condition mein got it। now again dekho switch in off positions ab kya hai off positions jo hum pehle hi baat kiye to पिछले वाला था बेटा वो क्या चीज ऑन पोजीशंस पे अब स्विच क्या है ऑफ पोजीशंस पे
रियली में देखे बेटा तो क्या हुआ, ये कंडक्टिंग देखो, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में क्या अब कनेक्टिंग नहीं है। सो यदि आप किसी बैटरी से बेटा इस बल्ब को कनेक्ट भी कर रहे हो, लेट सपोज कि दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, नाउ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद बल्ब एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद व्हाट, दिस स्विच ना, तो बेटा यदि ये देखो इंटरनली, यदि इंटरनली डिजाइन स्विच की देखोगे तो यहां से जो प्लेट बेटा, ये मेटल प्लेट होता है जो ऑन करते हो तो ये यहां से कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ये कनेक्ट होगा बेटा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था यानी कि करंट की फ्लो हो रहा था बेटा, वो सर्किट क्लोज हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। बट ये जब ओपन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहां तक तो फ्लो करेगा लेकिन इससे यहां तक नहीं जा सकता, जंप तो नहीं कर सकता है ना, क्लियर? ऐसा तो नहीं एक इस वायर से उस वायर में जंप कर गया, गॉट इट बेटा? तो इसको यदि हम दिखाना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपली कैसे दिखाते हैं, ये दो टर्मिनल ले लो और एक किसी भी टर्मिनल पे क्या करो बेटा, इसको थोड़ा सा इसको दूर रख दो, क्लियर हो गया? सो दिस इज द सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशंस ऑफ व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशंस, गॉट इट? चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्या है, बैटरी। अभी हम बेटा सेल की रिप्रेजेंटेशन देखे थे ना कि सेल में दो टर्मिनल था, एक बिगर एक स्मॉलर। बिगर टर्मिनल को हमने पॉजिटिव टर्मिनल कहा था, स्मॉलर को नेगेटिव टर्मिनल कहा था। सो विद द हेल्प ऑफ सेल, विद द हेल्प ऑफ सेल बेटा हम बैटरी की डिजाइन करते हैं। इफ यू विल कनेक्ट टू और मोर देन टू सेल तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, एक बैटरी बन जाएगा। सो हाउ यू विल रिप्रेजेंट दिस सिंबॉलिकली, यू कैन सी ओवर हियर, जस्ट यू नीड टू टेक टू और मोर देन टू सेल। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सेल को रिप्रेजेंट कर दिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट किए, अब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, अब हम डॉट 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 देते हैं, दैट मींस कि इस बीच में क्या है, बहुत सारे सेल हैं। अगेन ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव यहां कर दिए और इसको नेगेटिव कर दिए। अल्टीमेटली आपको इतना ध्यान रखना है कि इस बीच में डॉट डॉट का मतलब हुआ कि मोर देन बहुत सारे सेल है और यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, तो यहां नेगेटिव टर्मिनल आना चाहिए लास्टली। दैट मींस आपको केवल दो सेल दिखाना है यहां पर, बाकी जो डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर दो से अधिक सेल कनेक्टेड है, गॉट इट? अब ये बात आती है कि हम कैसे कनेक्ट करें, सर नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से करें, पॉजिटिव को नेगेटिव से टर्मिनल से कैसे करेंगे, तो हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। अभी तो आप यहां पर सिंबॉल कैसे लिखते हैं ये देखो कि कैसे पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो क्या होगा, उनसे कब सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बैटरी को ऐसा बेटा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है? तो सिंपल समझ गया, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव बेटा वायर, नेक्स्ट वी हैव वायर। सो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक वायर है जो यहां पर देखते हो कि ये क्या है, जो आउटर साइड बात करें बेटा, जो कोटेड होता है किसी इंसुलेटर से, ये बेटा एक्चुअल में ये कंडक्टिंग वायर होता है जिससे करंट पास करती है, और ये क्या होता है, कोटिंग किया होता है किसी इंसुलेटर का। तो ये क्या बेटा होता है, ये कोटिंग किया होता है, राइट? क्लियर है? इस पे क्या होता है, एक ये म्यूट नहीं होता है, क्लियर है? यहां पर नाउ यू कैन सी ओवर हियर बेटा, अब इसको सिंबॉल से रिप्रेजेंट करोगे, जस्ट यू नीड टू ड्रॉ वायर। ऐसे क्या करो, एक वायर की तरह ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट रिप्रेजेंटिंग द व्हाट, एक कंडक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करेगा। सो बेटा दिस इज, दीज ऑल आर द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट दैट वी आर फ्रीक्वेंटली यूज व्हाइल यू आर ड्रॉइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, गॉट इट? जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हो बेटा, सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ना, सो उस कंपोनेंट को रियली ड्रॉ करना बेटा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो बहुत ही डिफिकल्टी होता है। सो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, गॉट इट? सो बेटा इतना ही केवल कंपोनेंट्स नहीं होता है, ये तो एक बेसिक कंपोनेंट जो तुम्हारे लेवल पे सीखने की बात है, हमने उसके बात किए, बट बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होता है लाइक रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब। तो जब हम लोग एक बार रेसिस्टेंस की तो हम बात कर लेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर ऑन वी विल डिटेल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स बेटा। लेकिन यहां तक तुम समझ जाओ कि दीज आर द सम बेसिक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दैट वी आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, गॉट इट? ओके, थैंक यू एवरीवन।